हमारे यूपी में कोई भी काम हो, पूजा पाठ का हो या फिर त्योहार हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, दही आलू उफ मट्ठे के आलू की सब्जी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब्जी तो जरूर बनती है। तो आज मैंने नौमी के दिन माता रानी के लिए भोग में क्या क्या बनाया है, तो चलिए फटाफट से वॉच करते हैं आज की रेसिपी। तो जय माता दी, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में नौमी के पूजन में व्यस्त होंगे, तो आज मैंने भी नौमी में माता रानी की भोग थाली बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, और मैं आपको बता दूँ इससे पहले मैं कन्या भी खिला चुकी हूँ। कन्याओं को मैंने दही जलेबी खिलाया हुआ था, और अब बना रही हूँ माता रानी का भोग। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों फ्लेम पे कढ़ाई रख दी है, एक छोटी कढ़ाई और एक थोड़ी मतलब नॉर्मल साइज़ की कढ़ाई। और एक में मैं बनाऊंगी चने, मसाला चने, और एक तरफ मैं बनाऊंगी मठे आलू उफ दही आलू। तो भाई आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ दही के आलू बोला जाता है। तो यहाँ पर आलू बॉईल करके रख लिए थे, ठंडे हो गए हैं, इनको फोल्ड लूँगी इस तरह से। तब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं बाकी की भी तैयारी लगा लूँगी, और मैंने हरी मिर्च भी कट कर ली है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी मसाला चने भोग प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर मैंने हींग और जीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है, और इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है ढेर सारी, क्योंकि हम नौमी का प्रसाद बना रहे हैं। तो इसमें प्याज लहसुन कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली मसालों से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक मसाले हैं ना, इनको भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरह से जब मसाला चने बनाते हैं ना, तो चनों के ऊपर मसाले की जो कोटिंग है ना अच्छे से होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे और चला लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे, क्योंकि जब मैंने चने बॉईल किए थे तो मैंने उसमें भी नमक ऐड किया हुआ था। तो ये देखिए मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अमचूर पाउडर यूज़ किया हुआ है। और बस अब फटाफट से इसमें चने ऐड कर देंगे। चने को अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि चने हमारे बॉईल किए हुए हैं तो इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बस इसको ना 5 मिनट के लिए धीमी आंच में ढककर रख देंगे, ताकि चने मसालों के साथ में अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। चलिए जब तक चने हमारे बन रहे हैं, तब तक यहाँ पर हम दही के आलू की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नॉर्मल दही, मैंने खट्टा दही मंगाया हुआ था, लेकिन कन्याओं के लिए दही जलेबी आया था ना, तो फिर ये 1 किलो दही ले आए थे, और थोड़ा दही रखा हुआ था, वो भी नॉर्मल दही था। हमारे यहाँ होटलों में खट्टा दही भी मिलता है, नॉर्मल दही भी मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल दही से ही दही आलू बहुत अच्छे बन गए थे। दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी, तो इसीलिए दही वाला जो खट्टापन है ना वो आ गया था, तो दही आलू एकदम बढ़िया चटपटे तीखे खट्टे खट्टे बने हुए थे। यहाँ पर देखिए मैंने पानी भी ऐड कर लिया है, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा जीरा और ढेर सारी हींग ऐड कर देंगे। अब दही आलू की सब्जी है तो भाई हींग और जीरा तो बनता ही है ढेर सारा। तो बस अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी ससुराल की तरफ जो दही आलू बनते हैं ना, उसमें हल्दी नहीं ऐड किया जाता है, और मुझे बिना हल्दी के दही आलू पसंद नहीं आते हैं। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और आलुओं को ऐड कर दिया है। अब आलुओं को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और हाँ इनको बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर जब इसमें दही ऐड करेंगे ना तो इनका कलर है ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। तो नमक सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए धीमी आंच में हमने आलूओं को अच्छे से भून लिया है, और अब बस जैसे ही आलू भून जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था ना, ये 1 बाउल भर के। और आप देखिए इसकी दही की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी, मतलब मैंने इसको ढेर सारा पानी नहीं मिलाया हुआ है, दही के अकॉर्डिंग मिलाया हुआ है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल दही है और हमें दही आलू में खट्टापन चाहिए, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है।
थोड़ा सा बाउल में पानी मिला के ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक लग रहे थे मुझे। और अब इसको क्या करना है, लगातार चलाते रहना है। काफी लोग कहते हैं ना कि दही फट जाता है जब दही आलू की सब्जी बनाते हैं, तो आप देखिए ये दही बिल्कुल भी नहीं बस फटेगा। आपको दही बहुत अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल भी उसमें लम्स ना रह जाए, गुत्तियां ना रह जाए। और आपको ना दही मतलब नमक सब्जी में ऐड नहीं करना है। जब दही आलू अच्छे से बन जाएंगे तो सबसे लास्ट में ऐड करना है। और आप देखिएगा आपके दही आलू बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। यहाँ पर देखिए चने बन गए हैं, तो चनों में हरा धनिया ऐड कर देती हूँ और बस इसको भी फटाफट से मिक्स करके और बाउल में ट्रांसफर करके रख दूंगी, क्योंकि साथ ही साथ ना बर्तन भी खाली करती चलूंगी, ताकि किचन में ना थोड़ा सा स्पेस खाली खाली रहे। एक साथ सारी चीजें बनाइए ना, जब भी खाना बनाइए तो किचन एकदम भर जाता है, तो बहुत उलझन होती है देख के। तो साथ ही साथ किचन भी खाली करते चलेंगे, बर्तनों को भी। तो ये रहे हमारे चने, बनके तैयार हो गए हैं, क्योंकि माता रानी का भोग है तो भाई चने तो बनने ही बनना है। 9 दिन हमारी मैया भी व्रत थी और आज उनका भी व्रत खुला है हम लोगों के व्रत के साथ में। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे भी 9 दिन के व्रत थे। अब यहाँ पर चने बन चुके हैं, सब्जी बन रही है, इतने में मैं यहाँ पर आटा गूंथ लूंगी पूड़ी के लिए। और एकदम देखिए बढ़िया सख्त वाला आटा गूंथना है, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। दही आलू देखिए बहुत अच्छे से कट रहे हैं, खटक रहे हैं ना, तो इसमें ना अभी नमक ऐड नहीं किया है। जब ये बन जाएंगे तब लास्ट में बिल्कुल नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो दही आलू है ना, वो भी बन गए हैं, और इनमें ऐड करेंगे नमक। एकदम बढ़िया वाले दही आलू बने हुए हैं, मैंने खट्टा दही नहीं ऐड किया था, तो भी बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑन रखेंगे। और मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने बाद में थोड़ा सा नमक और ऐड किया हुआ है। और इसमें भी हरा धनिया फिर से ऐड कर देंगे। जब मैंने आलू फ्राई किए थे ना, तब भी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया था, और अभी फिर से ऐड किया है। तो ये देखिए सब्जी देखने में कितनी ज्यादा डिलीशियस लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और आज का मैंने जितना भी खाना बनाया था ना, झटपट खत्म हो गया, केवल दही आलू की सब्जी बची, सारा का सारा खत्म हो गया। पूड़ियाँ तो मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पर ना आप फटाफट से बना लेंगे पूड़ियाँ, और लड्डू गोपाल और माता रानी को भोग लगाएंगे, क्योंकि भाई अब माता रानी हमारे घर में शक्ति विराजमान थी, तो हमारे लड्डू गोपाल का भी व्रत चल रहा था, तो आज सबका व्रत खुलेगा और मेरा भी व्रत खुलेगा। तो बस मैंने ना पूड़ियाँ इसलिए थोड़ी सी बनाई हुई थी, क्योंकि ना मेरे घर में ये लोग पूड़ियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कहा ज्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। और पूड़ियों को आटा सख्त गूंथा जाता है ना, तो फिर इनसे रोटी बनाने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, तो बस मैंने बहुत ही कम पूड़ी बनाई हुई थी। बस इतनी बनाई थी कि बस खाना इन लोगों ने खा लिया, और उसके बाद एक भी पूड़ी नहीं बची, सब खत्म हो गई थी। तो ये लीजिए फटाफट से पूड़ियां बेल ली है मैंने, और ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली पूड़ियां बन के तैयार हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया बन रही हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आज मैंने माता रानी के लिए भोग थाली बनाई हुई है। मैंने सोचा था कि खीर बना लूंगी, लेकिन फिर ये दही जलेबी ले आए, तो फिर मीठे में मैंने जलेबी और दही दोनों ही रख दिया था प्रसाद में, फिर मैंने खीर नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि पता है जितना भी बनाइए फिर वो खाना अपने लोगों को ही होता है, तो फिर वो ना थोड़ा थोड़ा करके ओवर होने लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि इतना ज्यादा फिर रहे, क्योंकि दही जलेबी काफी सारा आ गया था। और मैंने सोचा था कि कन्याओं को भी आज मैं पूरा प्रॉपर खाना खिलाऊंगी, लेकिन लास्ट टाइम पे फिर ये दही जलेबी ले आए, तो फिर मुझको अपना प्लान चेंज करना पड़ा। पर अगली बार से मेरी कोशिश है कि कन्याओं को भी मैं भोग में। तो ये रहे दही आलू, ये रहे दही जलेबी के साथ के लिए, और ये रहे चने मसाले वाले और जलेबी। ये जलेबी देखिए इस तरह की बनी हुई है इमरती की तरह, और बस लगा देंगे पूड़ियां। तो ये रही हमारी आज की भोग थाली। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दही आलू की सब्जी कैसी लगी, और आप लोगों ने नौमी किस तरह से पूजी। आप लोग अष्टमी पूजते हैं कि नौमी, क्योंकि मैं तो 9 दिन के व्रत रहती हूँ ना, तो फिर मैं नौमी ही पूजती हूँ। तो जय माता दी और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कैसी लगी आप लोगों को मेरी नौमी की भोग थाली, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय।